संस्कारधानी वासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को, जबलपुर वासियों को मां नर्मदा के इस प्रकट महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं पमनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार। आप मेरे पीछे मां नर्मदा का पवित्र ग्वारी घाट देख पा रहे हैं। मां नर्मदा के जन्मोत्सव पर ग्वारी घाट सहित जबलपुर में स्थित नर्मदा के समस्त घाटों में भक्तों की आस्था का बिल्कुल जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आज के दिन पूरे जबलपुर नगर में मां नर्मदा के तट पर मां नर्मदा की गोद में आस्था, उम्मीद और धर्म का एक पावन समागम देखा जा सकता है। आस्था, उम्मीद और धर्म के पावन समागम की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां हजारों लाखों तादाद में देश भर से भक्त आकर के यहां पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वहीं उम्मीद की बात करें तो नर्मदा जन्मोत्सव के दिन काफ़ी संख्या में यहाँ व्यापारी हैं जिनके व्यापार को गति मिल रही है। वहीं बात धर्म की करें तो हमारे सनातन सभ्यता में स्थित नदियों के प्रति प्रेम, नदियों के प्रति आध्यात्म, प्रकृति के प्रति आध्यात्म को यहाँ पर वो बड़े ही सरल तरीके से देखा जा सकता है। इस पावन अवसर पर माई की गोद में मां नर्मदा के तट पे आए हुए भक्तजनों से हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे माँ की महिमा के बारे में, नर्मदा के तट के बारे में और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली माँ नर्मदा नदी के बारे में। तो आइए कुछ भक्तों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं माई की महिमा। स्वागत करते हैं आप सभी लोग का द खबरदार न्यूज पर। जैसा कि आज माँ नर्मदा का जन्मोत्सव है तो इस बारे में क्या तैयारियां प्रशासन के द्वारा की गई है? परम पुनीता आदिशक्ति भगवती माँ नर्मदा के इस प्रकट महोत्सव में आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज भगवती माँ जगदम्बा नर्मदा का प्रकट महोत्सव है। प्रातःकाल पूजन से सांसद माननीय श्री राकेश सिंह जी ने आके पूजन की। 10 बजे फिर हमारे पूज्य संत जन जैसे पूज्य स्वामी गिरीशानंद सरस्वती जी महाराज अयोध्या से पधारे, अयोध्या दास जी महाराज बड़ी राम बड़ी छावनी के संत हैं और हमारे जबलपुर के समस्त संतों के पावन सानिध्य में मां नर्मदा का पूजन प्रारंभ होकर दोपहर में 12 बजे विराट महाआरती हुई जी। जो मां नर्मदा के चरणों में समर्पित हुई। दोपहर में 12 बजे महाआरती का आशय है क्योंकि भगवती मां नर्मदा माघ शुक्ल सप्तमी को दोपहर में 12 बजे ही प्रकट हुई है, तो उस स्वरूप में मां नर्मदा के उस जल स्वरूप का हम लोगों ने अभिनंदन किया, स्वागत किया, वंदन किया, प्रकृति की पूजा की जी। और उसके बाद महाआरती के बाद नदी संवाद कुमारी तेजस्विनी जो निरंतर वर्षों से स्वच्छता का संकल्प दिला रही हैं, अभी तक 30 लाख लोगों को संकल्पित करा चुकी हैं, उनके द्वारा आयोजित नदी संवाद जिसमें नदी में काम कर रहे विभिन्न पहलुओं के लोग उनसे चर्चा करके नदी के बारे में चर्चा कर सकते हैं। और उसके बाद मां नर्मदा के 1000 नामों से पूजन सहस्त्रार्चन आप देख रहे हैं चल रहा है, मां नर्मदा जी के 1000 नामों के साथ सहस्त्रार्चन पूजन। इसके बाद अभी हमारे यहाँ एक प्रकृति पर्यावरण पर संगोष्ठी के बाद ठीक शाम को कितने बजे ये संगोष्ठी पूजन के संपन्न होने के बाद और फिर उसके बाद मां नर्मदा की सायंकालीन संध्या विराट महाआरती 11 वर्ष पूर्ण होने पर महाआरती के ये 11 पूज्य आचार्यों के माध्यम से विराट महाआरती और महाआरती के बाद फिर सांस्कृतिक आयोजन होंगे जो भगवती मां नर्मदा के चरणों में देर रात तक समर्पित होंगे। आज क्या यही है और